एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नम्रता जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हफ्ते में वीडियोस आपको रेगुलर मिलने वाली है, तो मैं अपनी बात पर अमल कर रही हूँ। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है कि आज हम टॉप 5 नीड्स के बारे में बात करने वाले हैं, या YouTube कंटेंट के बारे में बात करेंगे, या हम कह सकते हैं किसी YouTube चैनल के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप बनाते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी इस फील्ड में अपनी सीढ़ी स्टार्ट करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है। अगर आपको पता है कि यूट्यूब चैनल कैसे खोला जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको उसकी स्ट्रैटेजी नहीं पता कि आप कैसे उस चैनल को खोलेंगे, उसके बाद आपको क्या क्या करना है, तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से नीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कौन से नीज़ आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि ट्रेंडिंग चीज़ बहुत जल्दी वायरल होती है। तो इसलिए आप कोशिश वो कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा वायरल वीडियोस हो सके, कि आपकी वीडियोस को वायरल मिले या फिर वो काफ़ी ज़्यादा उस पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आपको मिल पाए। तो आज इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं उन 5 नीड्स के बारे में जो आपके चैनल को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा। और ये गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, अगर आप इन पे बेसिस कंटेंट बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल मिलने ही वाली है। हालांकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो आप बना सकते हैं, बट ये जो 5 कंटेंट जो मैंने चूज़ किया है, या कह सकते हैं 5 यूट्यूब चैनल आइडियाज़ जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चैनल मैं आपको प्रीफर करती हूँ कि आपको यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बनाने चाहिए। जैसे कि क्या सकते हैं आप उसमें YouTube से रिलेटेड हर जानकारी दीजिए, जैसे कि YouTube चैनल कैसे बनता है, या उसमें थंबनेल कैसे बनाते हैं, या YouTube में कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी आइडिया है YouTube से रिलेटेड, तो आप उसकी जानकारी लोगों को दे सकते हैं और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, वो उसी वीडियो को सर्च करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के बारे में जानकारी मिल पाए। क्योंकि किसी भी काम को अगर हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, मुझे उससे रिलेटेड उतनी जानकारी होती नहीं है। तो अगर आप YouTube रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और ये भी कंफर्मेशन है कि आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। ये तो था आपका ये मैं आपको प्रीफर करती हूँ फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। कहते हैं ना, फैशन कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ भी आप यूनिक ले आओ, वो फैशन में आ जाता है, वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी, अगर आपको फैशन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फैशन से रिलेटेड वीडियोज़ बना सकते हैं। क्योंकि फैशन को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये काफ़ी हद तक इसमें ग्रोथ आपको मिल सकता है, क्योंकि लोग आजकल इसे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, वीडियोज़ बनाएंगे। अगर आप इसे सर्च लिस्ट में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा रैंक है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट, या कह सकते हैं आउटपुट मिलने वाला है। ये तो था, मैंने दूसरे के बारे में बताया, सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने आपको प्रेफर किया। थर्ड मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हेल्थ टिप्स, या कह सकते हैं ब्यूटी टिप्स। फोर्थ में आपका हेल्थ टिप्स हो जाएगा। ब्यूटी टिप्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लोग, जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, वो ब्यूटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ये जानने की इच्छा भी रहती है, क्यों ना मैं कुछ ऐसे चीज़ों को जानूँ, कुछ ऐसे टिप्स को जानूँ जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो ब्यूटी टिप्स भी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, एक आइडिया है जिसमें आप अपनी ब्यूटी टिप्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ आयुर्वेदिक से रिलेटेड आइडिया है जो कि ब्यूटी में आपको हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को बनाइए। शॉर्ट्स अगर बना करके डालते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ मिलता है। थर्ड और फोर्थ में बात करती हूँ आपके साथ हेल्थ टिप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम पर क्या हो रहा है ना, हम जो भी फूडिंग कर रहे हैं उससे हमारा हेल्थ जो है बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। किसी को भी देख लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा फैटी हो जा रहा है, या उसका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा पतला है, या कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपको हेल्थ टिप्स के बारे में जानकारी हो, ताकि आप कभी बीमार ना पड़े और आपका हेल्थ भी काफ़ी अच्छा हो, और आपके बॉडी में एक्टिवनेस है। आज का जो फूडिंग है, उसे जो हम यूज़ करते हैं, उससे हमारा बॉडी बहुत ही वीक हो जाता है, या कह सकते हैं बहुत ही स्लो और लेज़ी हो जाता है। तो आप हेल्थ टिप्स के वीडियो को बना के शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा। आई होप आपने अभी तक की वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, और मैंने जो भी बताया है उसे आप फॉलो जरूर करेंगे। तो लास्ट आपका फिफ्थ नीच है प्रोडक्ट रिव्यू। जी हाँ, क्योंकि आज का टाइम जो है वो पूरा ऑनलाइन हो चुका है। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इसका रिव्यू देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक न्यू फ़ोन ख़रीदना है, तो आपको उस फ़ोन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप सीधे यूट्यूब में आएंगे, आप उस फ़ोन को सर्च करेंगे,
और आपके सामने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ जाएंगे जो उसे रिव्यू कर रहे हों। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट को रिव्यू करो। जैसे फ्लिपकार्ट से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं या मीशो से या अमेज़न से, आप उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं और उसके रिव्यू को डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको कोलैबोरेशन भी मिल जाएगा, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगा अगर आप बहुत अच्छे से रैंक करते हैं। तो आई होप ये 5 टिप्स मैंने जो आपको बताई वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और गर्मी से बचकर रहिए। गुड डे।